लो डायरेक्ट। ये इतनी आसानी से सिंह काटने नहीं देगी, तो इसका मुंह बांधना पड़ेगा हमें। ट्रायल में लेके जा रहे हैं और ट्रायल में जमाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी सुबह की 7 बज रही है और ग्राउंड में हम सुबह 5 बजे ग्राउंड में आ गए थे हम। देखो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, पीछे टेम्पेरी हमने नेट बांध रखी है और मेरा एक दोस्त प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसलिए बैठा हूँ एक साइड, क्योंकि मेरी उंगली फट गई है, पूरी बैंडेज लगा रखी है मैंने, पूरी उंगली फट गई है ये वाली बॉल से। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ग्लव्स पहन रखा था, तब भी बॉल से ये पूरी उंगली फट गई है। अभी यहीं पे बैठा हूँ मैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इतनी देर। अभी हमने अपना बैग में सामान जमा लिया सारा, अब घर जा रहे हैं हम। अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है कम्प्लीट, 8 बज चुकी है, 8 बजे हम अपनी प्रैक्टिस खत्म कर देते हैं, अब सीधा घर पे जा रहे हैं। अब जा रहा हूँ मैं बहादुर घोड़े को लेके सीधा खेत पे, क्योंकि रोटावेटर फंदा हुआ है बहादुर घोड़े में, तो हमें थोड़ी जगह साफ करनी है जहाँ पे हम गेहूँ इकट्ठे करेंगे, और उसके बाद रोटावेटर खेत पे छुड़ा कर और मैं चला जाऊँगा मोतीपुरा ट्रायली लेने के लिए। इसीलिए खेत पे हीच लेके जा रहा हूँ मैं। अगर रोटावेटर फंदा रहता है तो हीच नहीं फंद पाता है, इसको अलग से फंदना पड़ता है रोटावेटर छोड़ने के बाद। देखो रोटावेटर में हीच की जगह सापट फंदी हुई है, तो इसलिए जब तक रोटावेटर नहीं छुड़ाएंगे अपन और यहाँ पे हीच नहीं फंदेंगे, तब तक ट्रायली नहीं फंदेगी। तो पहले रोटावेटर का खेत का काम कर लेते, उसके बाद इसको छोड़ के ले आएंगे। और हमने हिच भी रख लिया है, ये देखो नीचे ट्रायली फांदने में काम आएगा ये। अब चलते अपन लेके। अभी मैं खेत पे पहुंच चुका हूँ और अपने बहादुर घोड़े को ले आया हूँ। अब जा रहे हैं हम सीधा खेत में, जिस जगह हम गेहूं इकट्ठे करेंगे उस जगह के गेहूं हटाना पड़ेगा, वहां पे रोटावेटर चलाना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी जो मेटी है वो बिछाएंगे, ताकि अपनी मेटी नहीं फटेगी गेहूं पे, रोटावेटर निकाल देंगे नीचे। और खेत में ही हमने गेहूं साइड में रख दिए हैं इतनी इतनी जगह पर, क्योंकि इसमें सब में रोटावेटर निकालेंगे हमने जहाँ पर गेहूं साइड में रखे हैं, क्योंकि इसमें बिछाएंगे हम मेटी, जो मेटी घर से लेकर आए हैं, ताकि अपन मेटी फटेगी नहीं, रोटावेटर इसलिए निकाल रहे हैं, ये फांसे मेटी को फाड़ देते हैं, इसलिए रोटावेटर निकाला है हमने। अभी हमने रोटावेटर निकाल दिया गेहूं की जगह में, जहाँ पे फांसे थे इस तरीके के, इनको फांसे बोलते हैं गेहूं के, जो गेहूं कट जाते हैं वो रह जाते हैं इनको फांसे, तो ये कट गए तो अब मेटी नहीं फटेगी, अपनी मेटी बिछा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं रोटावेटर छोड़ने, क्योंकि हिच फांदेंगे ट्रायल लाने के लिए। अभी हमने खेत पे एक साइड रोटावेटर को छोड़ दिया है अपने बहादुर घोड़े में से, और बहादुर घोड़ा वहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि हिच फांद रहा है अभी हम। और ये देखो गेहूं इकट्ठे करने का काम चालू हो चुका है ये। अभी हमने अपने बहादुर घोड़े में हिच फांद लिया है, अब चलते अपन ट्रायली लेने के लिए। धूप भी काफी तेज पड़ रही है और जी घबरा रहा है इस धूप में तो काम करने में। अभी मैं मोतीपुरा पहुंच चुका हूँ अपना बहादुर घोड़ा लेके, अभी अपनी बुआजी के घर पे हूँ। अभी रोहित भाई नहा रहा है, इसलिए वेट कर रहा हूँ उसके नहाने का, क्योंकि ये ट्रायली फंदवाएगा मुझे ट्रैक्टर में छोड़कर। अभी मोतीपुरा ट्रायली लेने आया था, लेकिन हमारी बुआजी ने खाना बना दिया है हमारे लिए, तो रोहित भाई के साथ बैठ के खाना खा लेता हूँ मैं। दोपहर की 1 बज चुकी है, अभी खाना खा कर फिर चलते अपन ट्रायली लेके। अभी हम रोहित भाई के ट्रैक्टर में से ट्रायली छोड़ रहे हैं, ये वाला रोहित भाई का ट्रैक्टर है, महिंद्रा ही है ये वाला भी, लेकिन बहादुर घोड़ा का छोटा भाई है ये वाला। हाँ जान दे धीरे धीरे, अभी टेक लगा देता हूँ मैं तो, जाने दे पीछे, बस 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 याली लगा देता हूँ मैं अब, और इसको निकाल देते। अभी नलीम निकालना पड़ेगा, बंद कर ले थोड़ा सा। अभी हमने ट्रैक्टर में ट्रायली को छोड़ दिया, जाने दे आगे जाने दे, अब अपना बहादुर घोड़ा फान लेते इस ट्रायली में। अभी मैंने रोहित भाई को भेज दिया था बहादुर घोड़े को लेने, अब वो ला रहा है ट्रायली फानने के लिए, ये वाली ट्रायली हम फान देंगे। बहादुर घोड़े में हमने ट्रायली फान ली है, ये देखो पीछे रीस में लेके जा रहा है, क्योंकि आगे से मोड़ने की जगह है, यहाँ पे कम जगह थी मोड़ने के लिए, इसलिए आने दे थोड़ा सा अंदर, ले ले अंदर आने दे, लेके चलते अपने बहादुर घोड़े को ट्रायली के साथ अपने खेत पे। और ले आया हूँ मैं अपने बहादुर घोड़े के साथ ट्रायली को खेत पर, अब चलेंगे अपन लहसुन भरने के लिए। धूप भी काफी तेज पड़ रही, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, पानी का मौसम हो रहा है इसलिए। अब लेके जा रहे हैं हम अपने बहादुर घोड़े को लहसुन के खेत में, लहसुन भरने के लिए ट्रायली में। अभी लहसुन के खेत में हम अपने ट्रायली और ट्रैक्टर को ले आए हैं, लेकिन तार के अंदर हमारा ट्रैक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि तार फेंसिंग हो रही है हमारी, निकलने की जगह नहीं अंदर ट्रैक्टर की। मैं तार क्रॉस करके सीधा अपने लहसुन के खेत में आ गया हूँ, और लहसुन को टप में भर भर के हमें ट्रायली में रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायली तो तार के अंदर आ नहीं सकती, तार फेंसिंग हो रही इसलिए। अब एक को ट्रायली पे चढ़ना पड़ेगा जमाने के लिए ट्रायली में, हम दो लोग इधर से लहसुन ले जा ले जाके ट्रायली में पटक देंगे, एक ट्रायली में जमा देंगे। अभी हमने लहसुन से पूरा टब भर लिया है, और ये टब भर भर के हम ट्रायली में लेके जा रहे हैं और ट्रायली में जमाने के लिए।
और ट्रायली में हमें इस तरीके से लहसुन जमाना पड़ेगा ताकि हमारे पूरे खेत की लहसुन अपनी ट्रायली में आ जाए। अगर डायरेक्ट हम जमाएंगे नहीं तो लहसुन नहीं माप आएगी अपनी पूरी खेत की, 2-3 बार चक्कर लगाना पड़ेगा और इसमें हमारा फायदा हो जाएगा जमाने में, लहसुन ज्यादा मजा आएगी ट्रायली में। हम फटाफट ट्रायली को भर लेते हैं लहसुन से, लेके चलेंगे घर पे खाली करने के लिए। और इधर की हमने लहसुन भर लिए, अब ट्रैक्टर को हम आगे कर लेते हैं इधर वाली भरने के लिए। ट्रैक्टर को आगे कर लो थोड़ा सा ताकि लहसुन पास पड़ेगी, हमें भरने में आसानी होगी ट्रैक्टर को, इसलिए आगे करा हमने। अभी हमने एक ट्रायली तो भर ली है, अभी एक ट्रायली और भराएगी, तो ये खाली कराते हैं अपन पहले घर पे और फिर ये वाली भर ले चलेंगे। धूप भी काफी तेज पड़ रही, सर बहराने लग गया धूप की वजह से। अब लेके चल रहा अपन इसे सीधे घर पे खाली करने के लिए। और ट्रायली और अपने बहादुर घोड़े को लेके मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और ये सारा सामान हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ निकाल के लेके जाना पड़ेगा बहादुर घोड़े को, और उस जगह पर हम लहसुन खाली करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और अंदर भी जगह नहीं क्योंकि काम चल रहा है इसलिए। और लहसुन से भरी हुई ट्रायली को हम अपनी जगह कार रखी उसके बगल में खाली करेंगे जहाँ पे अपना बहादुर घोड़ा रखा हुआ था। अब बहादुर घोड़ा अपन दूसरी जगह पर रख देंगे क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि सारा सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है, घर के बाहर बिल्कुल भी जगह नहीं, घर में काम चल रहा है इसलिए। ये पूरी ट्रायली यहीं पे खाली कर देंगे और एक और ट्रायली लाएंगे वो भी यहीं पे खाली कर देंगे और यहीं पे कटवा लेंगे। जगह पर हम खाली कर दें अपनी लहसुन को। एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, अभी ट्रायली अभी उलाल नहीं हो पाएगी, खाली नहीं हो पाएगी क्योंकि हाथ से करना पड़ेगा। अभी ये अला घुल्ला है इसमें, वो नहीं लाया मैं, मोतीपुरा ही भूल गया, जहाँ से मैं ट्रायली लेकर आया वहीं पर भूल गया, अभी डायरेक्ट फिट नहीं होगा। इसमें एक बीच में लगाने का आता है वो लाना पड़ेगा मुझे मोतीपुरा से, नहीं तो हाथ से खाली करना पड़ेगा। हाथ से खाली करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एक और ट्रायली अभी तो लहसुन की, वो भी लाना पड़ेगा, उसके अलावा गेहूँ भी लाना पड़ेगा, हाथ से खाली नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो मैं वापस गुल्ला लेने चला जाऊँ मोतीपुरा, तो लेके आते हैं पहले अपन। और उसके अलावा एक आरी भी लेकर आना मुझे, क्योंकि भैंस का सींग काटना है, उसके सर में सींग घुस गया है। और अभी मार्केट से मैंने आरी ले ली है सींग काटने वाली, इससे भैंस का सींग काटेंगे अपन क्योंकि भैंस का सींग बड़ा हो चुका है और बताऊंगा उसकी चमड़ी में घुस चुका है सींग भी खुद के सर में, तो वो काट देंगे हम ताकि उससे राहत मिलेगी। और ये वाली है लोहे की आरी, ये देखो आप, अब लेके चलते इसे घर पे। अभी मार्केट से भैंस का सींग काटने वाली आरी भी ले आया हूँ मैं और एक गुल्ला भी ले आया हूँ मोतीपुरा से, जिससे हम ट्रायली खाली करेंगे। तो अभी मैं गुल्ला मोतीपुरा से लेकर आया, इसको चेक कर रहे हैं हम इससे हो जाए खाली। तो और जो हम मोतीपुरा से गुल्ला लेकर आए थे उससे खाली नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, इसको लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हमने फुल कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो रही खाली, अब क्या करें, हाथ से खाली कर दी वैसे आधी तो हमने। क्या हुआ, रुको करूँ कोशिश में, और करते हैं कोशिश ऊपर करने की। टापलिंग की जगह मैं इस डंडे का यूज़ कर रहा हूँ, इससे काम हो सकता है। हाँ जान दो, जाने दो, कर ली हमने फुल कोशिश तो भी नहीं हुई खाली ट्रायली। इस गुल्ले में मिस्टेक है क्योंकि यहाँ से प्रेशर नहीं बना रहा ये। अभी हमने सारी लहसुन को हाथ से खाली कर दिया, यहीं पे सूखती रहेगी क्योंकि धूप भी है यहाँ पर काफ़ी, तो ये सूख जाएगी इसलिए हमने धूप में पटकी है। 2-3 दिन में कटवा भी लेंगे इसे साथ में ही सूखने के बाद। हमने लहसुन तो खाली कर दी, अब जो आरी लेकर आया था मार्केट से इससे भैंस का सींग काट देता हूँ मैं। देखो इस वाली का कटना है, देखो इस सर में भरा गया सींग, और इधर भी देखो दोनों तरफ सर में सींग भरा गया, इसलिए काट रहे हैं हम, थोड़े कोने कोने काट देंगे इसके। ये मुँह रुक जा मेरे को दे, लो डायरेक्ट नहीं कटवाएगी, वह बाद में पड़ेगा कमू। अरे नहीं कटवाएगी डायरेक्ट, कच्चो कच्चो नहीं कट जा, पकड़ तो लो थोड़ी बनी। हाँ हाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, अरे डायरेक्ट नहीं कटवा यार वो। ये इतनी आसानी से सींग काटने नहीं देगी, तो इसका मुंह बांधना पड़ेगा हमें, तब जाके कटेगा, इसके फायदे के लिए ही कर रहे हैं हम। हमने अपनी भैंस के दोनों सींग काट दिए हैं ये वाले, अब इसको राहत मिल गई अच्छी तरीके से। चलो देखो इसके भले के लिए करा हमने भी है। अभी ट्रैक्टर और ट्रायली को पापा लेके जा रहे हैं, मैं लेके जाऊंगा बाइक को पीछे पीछे। अभी एक ट्रायली लहसुन की फुल ले आए हम, अभी एक और लेने जा रहे हैं, पापा लेके गए हैं ट्रैक्टर को, हम बाइक से जा रहे हैं पीछे पीछे। अपना बहादुर घोड़ा भी आ चुका है लहसुन के खेत में, जा रहा है ये सीधा। अभी अपने बहादुर घोड़े को ले आए हम अपने लहसुन के खेत में, ये इतनी लहसुन और बची, एक ट्रायली ये और भर के लेके चलते हैं अपन फटाफट घर पे।
अब चलता हूँ मैं तार के अंदर लहसुन भरवाने के लिए। फिर से हमने टप भरना चालू कर दिया है क्योंकि टप की मदद से हम इसमें टप में लहसुन पटक रहे हैं, इसकी मदद से हम ट्रायली भरेंगे। इससे जल्दी हो जाती है, एक एक ले जाने में टाइम लगता है, इसमें एकदम से ज्यादा चली जाती है। अभी शाम की 6:30 बज चुकी है, शाम भी हो चुकी है और हमने पूरे खेत की लहसुन अपनी ट्रायली में भर ली है। दूसरी ट्रायली थी हमारी लहसुन की और अब इसे लेके चलते हैं अपन सीधा घर पे, जहाँ पहले जगह हमने खाली करी थी उसी जगह ये वाली लहसुन भी हम खाली कर देंगे। अब चलते हैं फटाफट, शाम भी हो चुकी है, मुझे नहाना भी है अभी। तो अभी खेत का सारा काम करवा दिया मैंने कंप्लीट, ट्रायली भरवा दी और पापा लेके आएंगे इस ट्रायली को घर पे। मैं लेके चलूंगा बाइक, अपनी TVS बाइक से चलूंगा मैं सीधा घर पे। बहादुर घोड़े को पापा लेके आएंगे घर पे, मैं जा रहा हूँ बाइक से। अभी घर पे पहुंच चुका हूँ मैं, लेकिन घर पे पहुंचने के बाद भी मैं नहा नहीं सकता जब तक ट्रायली नहीं आ जाती खेत से लहसुन की। उसे हाथ से खाली करना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि अगर मैं नहा लिया तो फिर से गंदा हो जाऊंगा लहसुन खाली करने में, इसलिए पहले खाली कर दूंगा फिर नहा लूंगा मैं। अभी अपना लहसुन से भरा हुआ ट्रैक्टर आ चुका है ये वाला, तो इसको भी वहीं लेके चलेंगे जहाँ पे लहसुन खाली करेंगे अपन। अभी यहीं रख लेते हैं, थोड़ी सामान उतार लेते हैं जो ऊपर सामान रखा हुआ है भैंस का चारा, उसके बाद लेके जाएंगे। अभी रात की करीबन 10:30 बज चुकी है, हम लहसुन खाली करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि थक बहुत जोर से गए, सुबह से काम में लगे हुए हैं। जहाँ पे हमने पहले लहसुन खाली करी थी उसी जगह पर अपनी ट्रायली रख दी है लहसुन की, सुबह पहले उठते से वो खाली कर देंगे हम। अभी मैं नहा लेता हूँ फटाफट क्योंकि मुझे सुबह ग्राउंड भी जाना है और खाना पीना हो चुका है अपना कंप्लीट, तो चलते हैं नहाने। अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अब सुबह की तैयारी ग्राउंड जाने की। सुबह हम 5:30 बजे ग्राउंड चले जाते हैं, लेकिन इस उंगली की वजह से बहुत से ज़्यादा दिक्कत आ रही प्रैक्टिस करने में। ये देखो कितनी जोर से उंगली फटी पड़ी है, इसको बचा के नहाना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है दिन भर काम में, ये देखो। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल वीडियो में, बाय बाय।